हेलो स्कॉलर्स, हम आईसीएसई बोर्ड क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 28 डिस्टेंस फार्मूला कर रहे थे। देखिए, इसमें क्वेश्चन 8 तक प्रीवियस वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन 9 में देखिए क्या लिखा हुआ है। फाइंड अ पॉइंट ऑन द वाई एक्सिस विच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 52 एंड -43। देखिए, क्वेश्चन 9 को कंप्लीट करने के लिए ये बिल्कुल सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 8 से। बस क्वेश्चन 8 में था एक्स एक्सिस पर पॉइंट थे, इसमें वाई एक्सिस पर पॉइंट है। तो क्वेश्चन 9 को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले थोड़ा सा हम ओवरव्यू लेते हैं। सपोज करिए कि एक पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पर है। अब अगर कोई पॉइंट वाई एक्सिस पर होता है तो उसके कोऑर्डिनेट होते हैं 0 एंड वाई। और इस पॉइंट से इन्होंने बोला कि दो पॉइंट हैं जो कि इक्वल डिस्टेंस पर हैं। मीन्स ये जो पॉइंट है वाई एक्सिस पर, इससे इन्होंने दो पॉइंट लिए जिन पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 52 -43। तो 52 -4 एंड 3, ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पर जो पॉइंट है इक्वल डिस्टेंस पर है। तो हमें वाई का कोऑर्डिनेट निकालना है या फिर ये वैल्यू हमें फाइंड करनी है। क्लियर? तो बेसिकली देखिए हम कैसे करेंगे। हमने मान लिया कि एक वाई पर जो पॉइंट है वो है 0 y। क्लियर? और वो जो दो पॉइंट हैं जो कि इस पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस पर हैं वो हमने यहाँ कंसीडर किए, और ये हम लिख देते हैं 5, 2 एंड -4, 3। क्लियर? और इनके हम नेमिंग कर देते हैं, इसको मान लेते हैं P, Q एंड R। अब पी क्यू का डिस्टेंस जितना होगा, जितना डिस्टेंस पी क्यू का होगा उतना ही डिस्टेंस हमारा क्यू आर का डिस्टेंस होगा। क्लियर? बोथ डिस्टेंस आर इक्वल, इट इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट पी क्यू इज इक्वल टू क्यू आर, या फिर पी क्यू इज इक्वल टू आर क्यू भी लिख सकते हैं। यहाँ से बेसिकली हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट है। क्लियर? ये डायग्राम भी आप बनाएंगे सॉल्यूशन में। अब पी क्यू और क्यू आर दोनों में डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है हमारे लिए। सबसे पहले पी क्यू में करो। इसके लिए हमें सबसे पहले रिप्रेजेंट करेंगे एक्स वन वाई वन, हम इसको मानते हैं, एक्स टू वाई टू हम मान लेते हैं इस चीज़ के लिए। तो एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। तो एक्स टू की वैल्यू क्या दी हुई है हमारे लिए, 5 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन मतलब 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर। इन द सेम मैनर अगर हम आ जाएं क्यू आर पर, तो क्यू आर के लिए भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, ये हमारा क्यू आर है, इस हिसाब से ये हो जाएगा हमारा एक्स टू और ये हो जाएगा वाई टू। क्लियर? तो एक्स टू माइनस एक्स वन मतलब -4 माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन मतलब 3 माइनस वाई होल स्क्वायर। क्लियर? अब स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे। जब हम दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, वो मैं वापस से लिख नहीं रहा हूँ। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, अंडर रूट हमने हटा दिया, और 5 माइनस 0 हमारा 5 ही बचेगा प्लस 2 माइनस वाई होल स्क्वायर मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा। a है 2, y है b, तो a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। इन द सेम मैनर 4 माइनस 0 हो जाएगा हमारा माइनस 4 ही, तो माइनस 4 का स्क्वायर हम लिख देंगे डायरेक्ट। एंड यहाँ पर हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, मीन्स 3 हो जाएगा a और b हो जाएगा y। तो a स्क्वायर माइनस 2 ए बी प्लस बी स्क्वायर मतलब y का स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दो। 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 जो 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू, अब हम जैसे RHS में आते हैं तो माइनस 4 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 16, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, माइनस 2 3 जो 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो ऐसे हमें आगे बढ़ते जाना है। 25 प्लस 4 हो जाएगा हमारा 29, माइनस 4 वाई प्लस वाई स्क्वायर, 16 प्लस 9 25, माइनस 6 वाई प्लस वाई स्क्वायर। सारी वैल्यू जो कि हमारी राइट हैंड साइड में है लेफ्ट हैंड साइड में लेकर के आएंगे, जिससे कि हमें सॉल्व करने में इजी रहेगा। तो 29 माइनस 4 वाई
प्लस वाई स्क्वायर माइनस 25 प्लस 6y, साइन अपोजिट हो जाएंगे, जो भी RHS में साइन है टर्म्स के वो चेंज हो जाएंगे, अपोजिट हो जाएंगे। 29 माइनस 25 हो जाएगा हमारा 4, क्लियर। तो ये और ये, क्योंकि बोथ आर लाइक टर्म्स, क्लियर। इसके बाद माइनस 4y प्लस 6y, माइनस 4y प्लस 6y हमारा क्या हो जाएगा, प्लस 2y, क्लियर। माइनस प्लस माइनस होता है, प्लस 2y, और ये वाई स्क्वायर प्लस में, ये वाई स्क्वायर माइनस में, दोनों कैंसिल हो जाएंगे। इसके बाद ये प्लस 4 में उस साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू माइनस 4, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 4 अपॉन 2। तो अल्टीमेटली हमारी y की वैल्यू आ रही है 2 1 2 2 2 4, दैट इज माइनस 2, क्लियर। तो इस बेअप पे हमारे पॉइंट क्या हो जाएंगे, पॉइंट हमारा, क्योंकि ये y एक्सिस वाला था तो पॉइंट हो जाएगा x पे तो 0 रहेगा और y पे माइनस 2, क्लियर। सो दिस इज आर आंसर। सो क्वेश्चन 9 यहाँ पे होता है ख़त्म। उसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट वीडियो में। डिस्क्रिप्शन में लिंक है इस चैप्टर की, सारी वीडियोज एक साथ उस लिंक पर क्लिक करके आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।